नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां दो युवक सड़क पर थे। चांपा एसडीएम की गाड़ी आते देख भागने लगे। भागते युवकों को देख एसडीएम की चलती गाड़ी से सैनिक उतरा और डंडे से मारने लगा। दोनों युवकों की गलती बस इतनी थी कि संपूर्ण लॉकडाउन में वो बाहर निकले। दोनों युवक कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन चांपा प्रशासन की इस तरह युवकों को डंडे से मारना समझ से परे है। क्या प्रशासन आम नागरिक के साथ इस तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा? जिला एसपी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बेवजह किसी को मारना नहीं है, डंडा डराने के लिए है, मारने के लिए नहीं। चांपा राजस्व की टीम ने युवकों को चलती गाड़ी से उतरकर सैनिक ने डंडा फेंक कर मारा, जिसकी वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। सैनिक के इस तरह से डंडा मारने पर युवक जिस तरह से भागा, उस तरह से एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। इस तरह से जिला प्रशासन बढ़ते कोरोना संक्रमण को नहीं रोक सकते। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।